कानपुर के नौबस्ता में दबंग सौदों ने परीक्षा देने जा रही छात्रा को रास्ते में रोक लिया। मनचले सौदों ने छात्रा का हाथ पकड़ा तो उसने विरोध किया। छात्रा के विरोध करने पर दोनों सौदों ने सरेराह उसकी पिटाई कर दी। शोर मचाने पर पीआरवी के जवान मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल युवती को अस्पताल पहुंचाया और प्राथमिक इलाज के बाद उसे परीक्षा केंद्र भेजा। वहीं पुलिस के सामने ही सौदे बाइक से फरार हो गए। मामले में लापरवाही बरतने पर डीआईजी ने नौबस्ता थाने के गल्ला मंडी चौकी इंचार्ज और बीट आरक्षी को सस्पेंड कर दिया। वहीं घटना के बाद एक्शन में आई पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि नौबस्ता थाना क्षेत्र में रहने वाली बीएस की छात्रा को पड़ोस में रहने वाला ऋषभ लगातार परेशान कर रहा था। आज सुबह परीक्षा देने जा रही छात्रा को उसने अपने साथ ही वीर सिंह के साथ चलते रास्ते में रोक लिया और विरोध करने पर दोनों ने छात्रा की पिटाई कर दी। क्या बात हो गई थी? कौन लड़का था? सर मेरे मोहल्ले में ही रहता एक लड़का, वो कई दिनों से धमकी दे रहा था। और क्या नाम है उसका? ऋषभ वाजपेयी। कहाँ पर मारा है? नहीं तो मारा किस जगह? मम्मा की रोड जो है पीपल के थोड़ा सा आगे, सिद्धिविनायक वाले की रोड जी, सिद्धिविनायक के पास ही। वहाँ कोई था नहीं? किसी की मदद नहीं मांगी? कुछ अंकल जी लोग खड़े थे और एक अंकल जी पेपर पढ़ रहे थे, एक आंटी सुबह के टाइम नौबस्ता थाने में एक छात्रा अपना पेपर देने जा रही थी। उसी टाइम पे दो लड़के बाइक पे आए। उस लड़के को वो छात्रा पहले से जानती थी। उन्होंने दोनों लड़कों ने उनके साथ मारपीट की। दोनों लड़कों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। संगत धाराओं में हम मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।